दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि अभी तक हमारी बाबरा भूत नवलखा मंदिर का मूलक तांत्रिक कथा भाग एक में आप लोगों ने जान लिया है कि किस प्रकार से मूलक तांत्रिक एक कन्या के प्रेम के में वशीभूत होकर के अपने गुरु से धोखाधड़ी करता है, जिसकी वजह से उसको गुरु का श्राप मिलता है। गुरु के श्राप की वजह से और गुरु के श्राप से बचने के लिए गुरु ही उसे एक मार्ग बताता है और कहता है कि एक भूतनी के पास चले जाओ। वो उस भूतनी के पास जाता है और उसने वहाँ पर एक बाबरा भूत की उपासना और साधना करने की सलाह उसे दी जाती है। भूतनी उसके इस कार्य के लिए उसको सहयोग प्रदान करने की बात को करती है, लेकिन समस्या इस बात से आ जाती है कि अभी वो स्थान दूर था और उस स्थान से काफ़ी उसकी दूरी बनी हुई थी। अब सवाल यह है कि क्या वो वहाँ पर जा करके उसकी उपासना और साधना करेगा, क्या वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेगा और क्या वो एक ऐसा महल प्राप्त कर सकेगा जिस महल की उसने सोची है, ताकि वह उसे दे करके ऋषि से उसकी पुत्री को प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है कि मूलक तांत्रिक भूतनी से पूछता है कि आप मुझे बाबरा की साधना विधि बताइए। तो वो कहती है कि वो कोई साधारण भूत नहीं है। भगवान शिव की बारात में जो भूत शामिल थे उनमें बाबरा भूत का नाम भी आता है। वह बहुत ही शक्तिशाली था और किसी कारणवश वह इस धरती पर आया हुआ था। एक समय की बात है, क्योंकि मेरे को यह कहानी तुम्हें बताने की आवश्यकता इसलिए है ताकि तुम अच्छी तरह से संवाद को समझ सको और उसकी साधना में कोई गलती ना करो। तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या हुआ था। बहुत समय पहले की बात है, जब बाबरा धरती पर आया हुआ था तो वह इस दौरान इस क्षेत्र में घूम रहा था, वहाँ पर बसा हुआ था और इसी प्रकार काठियावाड़ क्षेत्र में वो अपने आप का आसरा बनाए हुए कुछ विशेष कार्यों को संपादित कर रहा था। तभी भगवान शिव और माता पार्वती विहार पर निकले हुए थे, अर्थात घूमने के लिए वो चले जा रहे थे। वह घूमते घूमते इस क्षेत्र में आए और अपने सोमनाथ को दर्शन उन्होंने दूर से ही किए और प्रसन्न हुए कि किस प्रकार भक्त उनका पूजन पाठ कर रहे हैं। इसी कारण उस नज़दीक उस क्षेत्र से गुजर रहे थे तभी यह एक स्थान पर पहुंचे। यह स्थान काठियावाड़ में नज़दीक पड़ता था। उस स्थान पर खड़े होकर के वो इधर उधर देख ही रहे थे कि अचानक उनकी नज़र नवलखे मंदिर जहां आज बना हुआ है वह स्थान पर पड़ी, जहां पर बाबरा भूत का निवास था। बाबरा भूत ने भी माता पार्वती और भगवान शिव को देख लिया और इसी समय एक ऐसी घटना घटी कि बाबरा भूत ने तुरंत ही वहां पर भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करनी शुरू कर दी। उनकी उपासना इतनी तीव्रता से वो करने लगा क्योंकि वह जानता था इस क्षेत्र में पहली बार भगवान शिव साक्षात भ्रमण पर निकले हुए हैं। वह उनकी प्रसन्नता को जाने नहीं देना चाहता था। वह चाहता था कि प्रभु तुरंत उस पर कृपा करें और कुछ क्षण उसके पास रुकें और विश्राम करें। इसी दौरान अचानक से माता पार्वती और भगवान शिव को उसकी भक्ति को देखने का अवसर मिला। इससे प्रसन्न होकर के भगवान शिव और माता पार्वती उस विशेष स्थान पर उतर आए, यानी नीचे आकर के बैठ गए। तभी बाबरा भूत ने उनकी उपासना करनी शुरू कर दी। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर के भगवान शिव और माता पार्वती ने बाबरा से कहा कि क्या तुम्हारी इच्छा है। तो उन्होंने कहा, आप इसी स्थान पर बस जाएं और मैं आपकी उपासना पूजा करते रहूं और मुझे सिद्धियों और शक्तियों की प्राप्ति होती रहे। बाबरा की बात सुनकर के भगवान शिव ने कहा, तुम तो सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हो। ऐसा ही प्रयास एक बार रावण ने भी करने की कोशिश की थी। सोच लो, हो सकता है तुम कार्य में सफल ना हो पाओ। तब बाबरा ने कहा, ऐसा कौन सा कार्य है जो मैं संपन्न नहीं कर सकता हूँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं निश्चित रूप से आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तब भगवान शिव ने कहा, ठीक है,
मेरा यहाँ पर एक मंदिर बना दो, लेकिन शर्त यह है कि सुबह से पहले वह पूरा हो जाना चाहिए। अगर सुबह से पहले तुमने यहाँ पर मंदिर पूरा कर दिया तो मैं सदा के लिए यहीं पर वास कर लूँगा और तुम्हारे को हर प्रकार की सिद्धियाँ और शक्तियाँ भी स्वतः ही मिलती चली जाएंगी। बाबरा ने कहा, ठीक है, मैं अभी से आपकी यह इच्छा पूरी करता हूँ और तब तक आप यहाँ से जाइएगा नहीं। तो भगवान शिव ने कहा, ठीक है, सुबह तक ही मैं यहाँ पर रुकूंगा, उसके बाद नहीं। बाबरा ने कहा, ठीक है, आप यहाँ बैठिए, मैं चारों तरफ इसके मंदिर बनाना शुरू कर देता हूँ। बाबरा ने बहुत ही तीव्रता के साथ मंदिर बनाना शुरू कर दिया। भगवान शिव ने जब ये देखा कि इसके अंदर इच्छाओं की भरमार हो रही है और सिद्धियों की प्राप्ति के बाद पता नहीं ये क्या करेगा, इसलिए भगवान शिव ने तुरंत ही सूर्यदेव को आज्ञा दी कि जल्दी निकल आए, और भगवान शिव की कृपा से सूर्यदेव जल्दी ही निकल आए। तभी केवल कुछ भाग बचा रह गया था जो बाबरा को बनाना था। बाबरा बहुत तेजी से भागता हुआ एक एक ईंट रखता चला जा रहा था और उसने उस विशालकाय मंदिर का निर्माण कर दिया था, यानी कि उस मंदिर का निर्माण वो अपने हाथों से करता चला जा रहा, जो भी वस्तुएं वहाँ पर उपलब्ध थी उनका सहायता से वो मंदिर बनाता चला जा रहा था। और उस मंदिर को बनाते बनाते उसने लगभग बना ही लिया था, लेकिन तब तक सुबह हो गई। तत्क्षण वहाँ से भगवान शिव और माता पार्वती गायब हो गए। अब इस प्रकार माता पार्वती को गायब हुआ देखकर बाबरा भूत को बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने सोचा कि क्या मूर्खता मैंने की, इससे अच्छा तो ये होता कि मैं भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना उतनी देर करता रहता तो निश्चित रूप से भगवान शिव का सामीप्य मुझे मिल ही जाता, लेकिन मैंने तो उन अपनी सिद्धियां और शक्तियां बढ़ाने के चक्कर में उनको अपने पास सदा के लिए स्थिर करने की सोची। भला महादेव को कौन बांध पाया है, तो ऐसी स्थिति में ही मेरे से गलती हो गई, तो इसलिए वो मंदिर बना बनाया अधूरा सा रह गया। एक रात में वो बना हुआ मंदिर जितना बन पाया था उतना ही बनकर रह गया। अब सवाल ये था कि इस कार्य को आगे चल के कभी क्या पूरा किया जा सकता है, तो क्योंकि कलयुग का प्रभाव है इसलिए ये होना भी संभव नहीं था। तो इस प्रकार वह स्थान ऐसे ही बना रह गया, यानी कि वह नवलखा मंदिर आधा अधूरा बना रह गया वहां पे। तो इस प्रकार से तुमने जाना कि हे मूलक, वो बाबरा भूत कितना सामर्थ्यवान होगा जिसने एक विशालकाय मंदिर को केवल एक रात में बना डाला हो, और निश्चित रूप से वही तुम्हारे लिए राजमहल बना करके दे सकता है जो तुम ऋषि को अर्पित कर सकते हो। इसलिए जाओ और जाकर के उसकी पूजा उपासना करो, जाकर के उसे प्रसन्न कर लो। अगर तुमने उसे प्रसन्न कर लिया तो उसके लिए कुछ भी करना आसान सी बात है, और तुम निश्चित रूप से बहुत ही प्रभावशाली भी हो जाओगे, क्योंकि बाबरा भूत साधारण भूत नहीं है, क्योंकि वो भगवान शिव के सामीप्य का और भगवान शिव के दर्शन करने वाला भूत है, क्योंकि भूतों में इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि बड़े देवों का दर्शन कर सके, लेकिन वह भगवान शिव का अंश स्वरूप है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। दुनिया में उससे अधिक शक्तिशाली भूत मिलना कठिन है। इसलिए बाबरा भूत को जाके प्रसन्न करो और अपने जीवन के कार्यों को संपादित करो। इस पर मूलक ने कहा, वह कहाँ पर है, वह स्थान मुझे बताइए जहाँ पर वह नवलखा मंदिर स्थित है। तो फिर भूतनी ने कहा, ठीक है, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां पर जाकर के छोड़ आती हूँ, आगे का मार्ग तुम्हें स्वयं तय करना होगा। इस प्रकार भूतनी ने एक विशालकाय रूप धरा, उसकी पीठ के ऊपर खड़े होकर के मूलक तांत्रिक उड़ चला। धीरे धीरे करके एक स्थान आया जहां पर छोटी छोटी सी पहाड़ियां थी और काफी घना जंगल भी वहां पर स्थित था। उस घने जंगल के द्वार पर पहुंच करके ही उस भूतनी ने उसे अपने कंधे से उतार दिया और वहां पर खड़ी होकर कहने लगी, यहां से तुम्हें अपनी यात्रा शुरू करनी है। याद रखो, जिस तरह की कपटपूर्ण व्यवहार तुमने पहले किया उसी तरह का कपटपूर्ण व्यवहार अब मत करना, क्योंकि ऐसा करने पर तुम्हें धोखा ही मिलेगा। याद रखो, मानवों में और भूतों में अंतर होता है। मैं तुम्हें स्पष्ट संकेत देती हूँ। उसकी बात को समझते हुए मूलक ने कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं बाबरा को प्रसन्न कर पाऊँ। आपके दिए हुए मंत्र और साधना विधि से अवश्य ही मैं सफल हो जाऊँगा। ऐसा कह करके वह अंदर जंगल में प्रवेश कर गया। भूतनी वहाँ से गायब हो गई। भूतनी देवी वहाँ से गायब हो गई और वहाँ से केवल अकेला मूलक तांत्रिक जंगल में प्रवेश करता चला गया। धीरे धीरे कुछ दूर चलने के बाद में अचानक से एक बूढ़े व्यक्ति को उसने देखा जो कि बैठा हुआ था। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा दुर्बल
और कमजोर दिखाई पड़ रहा था। उसने कहा, बालक मुझे आगे मंदिर तक जाना है। इस पर मूलक ने कहा, अरे मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, तो चलिए फिर। लेकिन फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं वहाँ तक चल के जा पाऊँ, कृपया मेरी सहायता करो, मुझे वहाँ तक पहुँचा दो। मूलक ने कहा, यार इस पागल व्यक्ति को, इस कमज़ोर इंसान को भला आगे लेकर के मैं किस प्रकार से जाऊँगा। उसने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और आगे चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद में फिर से उसे वही बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दिया। उसने कहा, मैं क्या फिर से रास्ता भटक गया हूँ या इधर से उधर किधर मैं घूम गया? जंगल में कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि किधर जाना है। और फिर वो एक दिशा की ओर मुड़ गया और फिर से चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद फिर से उसी पेड़ के पास पहुंच गया जहां पर वो बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसे फिर समझ में नहीं आया और फिर से उसने दूसरी दिशा ली और फिर जंगल में इधर उधर भटकता हुआ फिर से उसी पेड़ के पास आके खड़ा हो गया। मूलक ने सोचा, ये क्या पागलपन हो रहा है, क्या मैं पागल हो रहा हूँ? मैं किधर भी जाता हूँ अंततोगत्वा इसी मार्ग पर वापस आ जाता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में? क्या ये कोई सिद्ध व्यक्ति तो नहीं है जिसका मैंने अनादर किया है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? तब तक वह बूढ़ा व्यक्ति बोल पड़ा, बालक तुम इधर से उधर बार बार टहल क्यों रहे हो? तुम मंदिर की ओर क्यों नहीं जा रहे हो और बार बार मेरे पास वापस आ जाते हो? तब मूलक ने कहा, बाबा माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं पता है कि मार्ग किधर है, क्या आप मार्ग जानते हैं? तब उस व्यक्ति बूढ़े ने कहा कि हाँ मैं मार्ग जानता हूँ, लेकिन मेरी मदद करो, मुझे वहाँ तक ले चलो। मूलक ने कहा, ठीक है, आपको किस तरह से ले जा सकता हूँ? तो मूलक ने इस बात का जब उनसे अभिप्राय रखा तो उस व्यक्ति जो कि बूढ़ा इंसान था उसने कहा कि तुम मुझे अपने कंधे पर धारण करो, यानी अपने कंधे पर पीछे से बिठा लो और मेरे पैरों को पकड़ करके कंधे पर इस प्रकार से रखो जैसे छोटे बच्चों को लिया जाता है अपनी पीठ पर, उसी तरह मुझे बैठा लो और मैं तुम्हें रास्ता बताते चलता हूँ कि किस और किधर की तरफ जाना है। मूलक ने कहा कि अब कोई उपाय नहीं है, लगता है मुझे इसको अपनी पीठ पर लादना ही होगा, और उसने उसके पैर पकड़कर अपनी पीठ पर लाद दिया और धीरे धीरे चलने लगा, ठीक उसी तरह जैसे कभी विक्रम बेताल एक दूसरे के पीठ पर चढ़ के चलते थे। इस प्रकार वह थोड़ी दूर आगे बढ़ने लगे, तभी सामने एक खाई आ गई। खाई को देख करके मूलक ने सोचा, यह बीच जंगल में किस प्रकार की खाई आ गई है और इसको अगर मैं घूम करके जाता हूँ तो काफ़ी लंबा रास्ता पड़ जाएगा, क्योंकि ये खाई तो बड़ी अजीब सी दिखाई पड़ रही है और जगह जगह पर टूटी फूटी है, अगर मैं इस रास्ते गुजरा तो हो सकता है खाई में ही गिर जाऊँ। इसने फिर अपनी पीठ पर बैठे हुए उस बूढ़े इंसान से पूछा, कहा, इस खाई को पार करने के लिए कोई रास्ता है? तो उसने कहा, हाँ तारिका तो बहुत सरल है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होगी और सीधे चलते जाना होगा। मूलक ने कहा, क्या पागल हो क्या, अगर मैं सीधे सीधे चलते गया तो खाई में नहीं गिर जाऊंगा और सीधे मेरी मौत हो जाएगी। तब इस पर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह तांत्रिक जगह है, तुम इस बात को नहीं समझोगे, मैं जो कहता हूँ वैसा करो अगर मुझ पर विश्वास है तो, और हाँ मुझे अपने कंधे से मत उतारो इस बात के प्रमाण के लिए, क्योंकि अगर तुम गिरे तो मैं भी गिरूंगा, इस बात को समझो और आराम से आंखें बंद कर लो और सीधा सीधा चलते जाओ, यह खाई तुम्हारी पार हो जाएगी। उसकी बात को समझकर मूलक सोच में पड़ गया। मूलक ने सोचा, अगर यह सच बोल रहा है तो सच में तांत्रिक जगह है, लेकिन अगर ये झूठ बोल रहा है तो मैं तो मारा ही जाऊंगा, और भला मैं जब गिरूंगा तो ये तो मेरे ऊपर ही होगा, तो इसे भला इतनी चोट कहाँ आएगी, सारी चोट तो मुझे ही आएगी। लेकिन फिर मूलक ने सोचा कि अगर ये कुछ कह रहा है तो जरूर कुछ तो बात होगी, अब मुझे क्या करना चाहिए? सोच करके वो आगे बढ़ने लगा और उसकी ने अपनी आंखें बंद कर ली। इसी समय वो अपने मंत्र को पढ़ता हुआ जाने लगा, ताकि अगर उसकी मौत हो जाए तो कम से कम उसे लेने के लिए यमदूत तो ना आए, यही सोचता हुआ वो आंखें बंद करके मंत्रों का जाप करते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी उसने अपने पैरों में किसी के काटने की महसूस हुई कि कोई चीज़ उसे काट रही है, लेकिन पीछे से कान में बैठे हुए व्यक्ति ने तुरंत ही बोल दिया, कहा कि सुनो, अगर कोई चीज़ काटे तो भी आंखें मत खोलना, क्योंकि अगर तुमने आंखें खोली तो सीधे तुम खाई में नीचे गिर जाओगे।
मूलक के पैरों में कोई चीज लिपटी हुई थी। मूलक घबरा रहा था और उसके पैरों में कोई चीज लगातार काटे जा रहे थे। पर मूलक ने आंखें बंद करते हुए उधर आगे की ओर चलना शुरू किया और पूरे विश्वास के साथ वो आगे बढ़ता गया। तभी उसे लगा कि उसके पैर के नीचे कुछ भी नहीं रहा है। तो क्या वो नीचे गिर गया या फिर वो खाई को पार कर गया, ये हम लोग जानेंगे अगले भाग में, जो कि आपके आई बटन में आपको इस जगह पर मिल जाएगा। इसी पर क्लिक करके एक दिन बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि इसके अगले का भाग क्या हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।